हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेब खाली रहने के कारणों के बारे में। आप बहुत सारा धन कमाते होंगे, घर में पैसा आता होगा, लेकिन जेब फिर भी खाली रहती है, यानी कि घर में पैसा नहीं रुकता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुनें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। पहला कारण है कि आप अपने बटुए में, पर्स में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर रखते होंगे। अगर ये कारण नहीं है तो दूसरा कारण है आपके घर में चमगादड़ आते होंगे। तीसरा कारण है जूठे हाथ सिर पर फेरना, यानी कि जब आप भोजन करते हैं तो कई लोगों को आदत होती है कि वो हाथ धोए बिना जूठे हाथ ही अपने बालों में फेरने लगते हैं, सिर पर फेरने लगते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। चौथा कारण है खाना खाने के बाद में थाली में हाथ धोना। कई लोगों की आदत होती है कि वो खाना खाने के बाद में अपनी थाली में हाथ धोते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जेब खाली रहने का कारण है। इसके अलावा पाँचवा है सोने से पहले नोट गिनना। कई लोगों की आदत होती है कि वो सोने से पहले रुपये पैसों को गिनकर फिर सोते हैं। ऐसा आप ना करें। छठा कारण है टूटा हुआ शीशा इस्तेमाल करना। अगर आपके घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, आईना है, चाहे वो खिड़की का ही क्यों ना हो या फिर जिसमें हम मुँह देखते हैं वो क्यों ना हो, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर टूटा हुआ है तो उसे ठीक करवाएं, उसे बाहर फेंक दें टूटे हुए को, नया शीशा लाएं। सातवां कारण है अपनी कमाई का बार बार दूसरों से जिक्र करना। कई लोगों की आदत होती है कि वो अपनी कमाई के बारे में कि मैं इतना कमाता हूँ, इतना कमाता हूँ, इसके बारे में दूसरों के सामने बार बार में जिक्र करते रहते हैं। ये गलती आप ना करें। आठवां कारण है घर में मधुमक्खी का छत्ता बना होना। अगर आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है तो ये आपके जेब खाली रहने का कारण हो सकता है। नौवां कारण है पर्स में, बटुए में फालतू के पुराने बिल रखना। कई लोगों की आदत होती है कि कोई सामान खरीदा उसका बिल हो या बिजली का बिल हो, चाहे किसी भी चीज़ का बिल हो, वो बटुए में रख लेते हैं। ऐसा आप ना करें। दसवां कारण है गाय को लात मारना। ग्यारहवां कारण है टूटी हुई कंघी से कंघा करना, यानी कि कई लोगों की आदत होती है कि घर में जो टूटी हुई कंघी है उससे बाल संवारते रहते हैं। आप ये गलती ना करें। बारहवां कारण है संध्या वेला में सोना। आपको कभी भी संध्या वेला, संध्या के समय नहीं सोना है। और तेरहवां कारण है दांत से नाखून काटना। कई लोगों की आदत होती है कि वो नाखून को नेल कटर से नहीं काटते बल्कि दांतों से काटते रहते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आप इस गलती को सुधार लें, क्योंकि ये आपके घर में रुपये पैसे ना टिकने के पीछे का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 13 कारण बताए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें। धन्यवाद।